न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इंडिया लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और अभी आपको दिखाते हैं कि सड़कों का क्या हाल है, किस तरीके से लोग आखिर निकल रहे हैं, तो कौन निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो कौन लोग हैं जो अभी सड़कों पे हैं या नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे। और देखिए, इनकम टैक्स चौराहा इसलिए प्रमुख माना जाता है क्योंकि आपको अमूमन जहाँ भी जाना होता है आपको इसी रास्ते होकर के जाना होता है। देखिए, यहाँ पर जो ये रास्ता है जिधर से आप डाक बंगला होते हुए गांधी मैदान जाएंगे और जो तमाम गाड़ियाँ हैं जो भी आती है, देखिए यहाँ पर पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर दी है पूरी तरीके से और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा विदाउट चेकिंग के। देखिए, जो भी आएंगे जाएंगे सभी को रोका जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, इधर हर जगह जो भी जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है आपको, कुछ अगर इमरजेंसी है तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, उसके बाद आप जाइए, उसके बाद ही आप जा पाएंगे। बेवजह सड़कों पे नहीं निकलना है, बार बार यही समझाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है और कल अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा था जिला प्रशासन की तरफ से। हर जगह 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 अनाउंसमेंट कराया जा रहा था, जिला प्रशासन की जो टीम है वो घूम रही थी, पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही थी कि आप जो हैं सड़कों पे ना घूमें बेवजह, आप जो हैं घरों से बेवजह बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बेवजह बाहर निकलेंगे तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए देखिए, जो तमाम लोग हैं उनको पुलिस जो है वो रोक रही है, चेक कर रही है कि आईडी कार्ड है प्रॉपर या नहीं है। जिनके पास नहीं होता है उन पे कार्रवाई की जाएगी और जो जिनके पास कोई कारण है, कुछ इमरजेंसी है, वो जा रहे हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा। देखिए, ये लोग हैं इमरजेंसी सेवा में, डॉक्टर्स हैं ये, इन्होंने अपना दिखाया है कार्ड और उसके बाद ये जा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो रास्ता है, देखिए अभी ट्रैफिक एसपी पटना खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक एसपी पटना जो खुद हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्क्वाड के साथ अपने निकले हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हर गाड़ी को चेक करिए, बिना चेक किए आप जाने मत दीजिए। तो कह सकते हैं कि जो पूरी जिला प्रशासन की टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर जगह जा रही है। जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो हर जगह जा रहे हैं, वो जो हैं लगातार चेकिंग कर रहे हैं, खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद सड़कों पर हैं। कल भी जिलाधिकारी एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद सड़कों पर उतरे थे, चीज़ों को देख रहे थे, लोगों से समझा रहे थे और आज कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो असर है डे टू का वो देखने को मिला है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, घरों से काफ़ी कम निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो या तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, या तो डॉक्टर्स हैं, या तो बैंक स्टाफ्स हैं, या तो नगर निगम के कर्मचारी हैं, या तो मीडिया कर्मी हैं। उन लोगों को नहीं रोका जाएगा, उनकी आईडी कार्ड चेक की जाएगी, उसके बाद जाने दे दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको इनकम टैक्स चौराहे की दिखा रहे हैं, ज़रा उधर भी दिखा देते हैं। अमूमन उधर साढ़े जो हैं पार्टी कार्यालय हैं, वीरचंद पटेल पथ उसे कहते हैं, और अभी तमाम जो पार्टी कार्यालय हैं वो बंद हैं। सभी पार्टी कार्यालय में सूचना लग चुकी है कि आपको सड़कों पर नहीं निकलना है। देखिए, जो लोग पैदल हैं वो भी निकल रहे हैं, उनको भी जो पटना पुलिस की टीम है वो पूछ रही है कि आप रुके क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। ज़रा देखते हैं कि क्या है मामला, क्यों उनको रोका जा रहा है और क्या कुछ वजह है जो उन्हें रोका जा रहा है। अगर प्रॉपर वजह होगी तो आपको जाने दिया जाएगा, अन्यथा जाने दिया जाएगा। देखिए, ये बेवजह सड़कों पर निकले हैं, इन्हें रोका जा रहा है और इनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, ये बेवजह निकले हैं और इन पर लाठी चली है। देखिए लाठी चली है इन पर और लाठी क्यों चल रही है ये पता नहीं। और आइए ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ था, क्यों ने। देखिए, तो आप देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर आप बेवजह निकलेंगे तो लाठियां चलेंगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि कल ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कर दिया था कि अगर आप अपने सड़कों से बाहर निकलेंगे। आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, आखिर पुलिस ने उन्हें क्यों दोहराया और वो क्यों सड़कों पर निकले थे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी भी उधर से कुछ वो कमेंट कर रहे हैं जिस वजह से जो पुलिस है वो उन्हें दोहरा रही है। तो अमूमन मामला यही है कि आप अपने सड़कों से ना निकलें। देखिए, जो भी लोग हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं और पूछा जा रहा है। देखिए, पेपर, बिना पेपर के आपको कहीं जाने दे, बिना पेपर चेक किए आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा और अगर आप बेवजह निकलेंगे तो लाठियाँ जो है वो चटकाई जाएंगी अब, क्योंकि कार्रवाई करनी होगी अब पुलिस को। पुलिस को थोड़ी सख्ती दिखानी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुलिस सख्ती नहीं दिखाएगी तो अमूमन जो लोग हैं वो सड़कों से लगातार सड़कों पर निकलते हैं और वो लोग समझ नहीं रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि आप लक्ष्मण रेखा है, घरों पे आप रहें, घरों से निकलेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको। तो चीज़ें जो हैं अब समझने की ज़रूरत है। लोग काफ़ी जागरूक भी हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। तो एक बार फिर से न्यूज़ फॉर नेशन यही अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ।
और इस वक्त हम आपको पटना के हर जगह जाएंगे, हम हर अपडेट आपको दिखाएंगे कि कहाँ कुछ क्या हो रहा है। फिलहाल हम मौजूद थे इनकम टैक्स चौराहे पे और हमने आपको दिखाया कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, और हम आगे चलेंगे और जल्द किसी नए अपडेट के साथ आप तक पहुँचेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अधिक अपडेट के लिए देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।